तीसरे टेस्ट में पहले तो करारी हार मिली, उसके बाद टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल उनके घुटने की चोट के बारे में स्कैन के लिए ले जाया गया। बता दें कि जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन घुटने में चोट लग गई थी, फील्डिंग करते चोटिल हो गए थे। भारतीय टीम को शनिवार को हेडिंग्ले में खेले गए तीसरे टेस्ट में एक पारी और 76 रनों से शिकस्त मिली है। रविंद्र जडेजा ने अस्पताल में खड़े हुए अपने फोटो को पोस्ट किया है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। अब तक अपडेट मिली है कि उससे पता चला है कि भारतीय टीम प्रबंधन जडेजा की चोट को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा गंभीर चोट नज़र नहीं आ रही है। भारतीय टीम को 30 अगस्त को लंदन के लिए रवाना होना है। अगर स्कैन की रिपोर्ट के बारे में कुछ बड़ा खुलासा नहीं होता है तो जडेजा टीम के साथ ही जाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट 2 सितंबर को द ओवल में खेला जाएगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रविचंद्रन अश्विन को आखिरकार मौजूदा सीरीज में पहला मौका मिल सकता है, क्योंकि द ओवल की पिच स्पिनरों के लिए मददगार होती है। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट सीरीज से पहले सरे की टीम के लिए एक मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने इसी मैदान पर 6 विकेट चटकाए थे। मौजूदा सीरीज में अगर जडेजा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उनका प्रदर्शन साधारण रहा है। जडेजा ने मौजूदा सीरीज में अब तक 5 पारियों में 1 अर्धशतक की मदद से 133 रन बनाए, वहीं 2 विकेट झटके हैं। जडेजा अगर चोटिल होते तो निश्चित तौर पर उनके विकल्प के तौर पर रविचंद्रन अश्विन को मैदान पर उतारा जाएगा। हालांकि पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसकर का मानना है कि चौथे टेस्ट में भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव को मौका देना चाहिए। अब देखना होगा सूर्य कुमार यादव किसकी जगह टीम में खेलते हैं। स्पोर्ट्स ब्यूरो न्यूज 29।